क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, सेक्शन ए ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, सेक्शन सो ऑन स्टिल क्लास 12th. There are three sections of each classes. How many trees will be planted by the student? इसमें बोला है कि जितने क्लास के हिसाब से उनको प्लांट लगाने हैं। जैसे क्लास 1 कितना प्लांट लगाएगा, 1, क्लास 2 प्लांट 2, क्लास 3 प्लांट 3 लगाएगा, सो ऑन, क्लास 12 कितने प्लांट लगाएगा, 12। इस पोजिशन में लगाना है और हमें लगाना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने टोटल प्लांट लगी प्लांटेड बाय वन सेक्शन ऑफ क्लास वन, एक सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा, 1। तो थ्री सेक्शन कितना लगाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। सेकंड क्लास कितनी प्लांट लगाएगी, 2। सेक्शन कितने हैं सेकंड प्लांट में, 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 सेक्शन है, एक प्लांट क्लास 2 लोग प्लांट लगाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6। सॉरी, क्लास 3 कितने प्लांट लगाएगी, 3, कितने सेक्शन है, 3, कितना हो जाएगा, 9, सो ऑन। क्लास 12th कितने सेक्शन है, 3, कितने प्लांट लगाएंगे, 12, कितना हो जाएगा, 36। तो एपी आ जाएगा हमारा 3, 6, 9, सो ऑन 36। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस डी, 6 − 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा, 3, लास्ट टर्म an, कितना हो जाएगा, 36। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो हमें निकालना है sn। sn क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 a प्लस ए एन, लास्ट टर्म n कितना है, 12 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है, 3, और लास्ट टर्म है 36। तो 2 × 6 = 12 कितना आएगा, 6, इंटू 36 प्लस 3 कितना जाएगा, 39। 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 234। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब एक के बाद एक सेमी सर्कल के बाद बना है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो पहला सेंटर ए होता है, फिर बी, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं सेंटर ए से। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, एस वन फिगर में दे रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे ही 13 सेमी सर्कल हैं, ठीक है, तो उसका हमें टोटल लेंथ निकालनी है। यानी लेंथ का मतलब, सर्कल के लेंथ का मतलब क्या हुआ कि सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और लेकिन सेमी सर्कल है तो 2πr अपॉन 2 आधा हो जाएगा, तो 2 × 2 कैंसिल कर दीजिए। ए को सेंटर माना तो एक सेमी सर्कल बना, फिर बी को सेंटर माना दूसरा सेमी सर्कल बना, फिर ए को सेंटर माना तीसरा सेमी सर्कल बना, फिर बी को सेंटर माना, ऐसे चलता रहा, कितने तक बना, 13 तक। ठीक है, सो करते हैं, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, उसका क्या होगा, रेडियस हमें दे रखा है 0.5। रेडियस सेकंड का दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, सो ऑन। थर्ड का क्या होगा, थर्ड का भी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा। तो ए फर्स्ट टर्म क्या होगी, सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, 0.5 1 1.5, सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा 0.5, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 − 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5। और अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्पाइरल मतलब 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का प्लस, यानी क्या हो जाएगा, पाई। पूरा सर्कल है, मान लो यहाँ पे पूरा सर्कल है, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। लेकिन ये आधा है, हाफ हो रहा है, तो 2πr अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, πr हो जाएगा। तो पहला वाला πr1, दूसरा वाला πr2, तीसरा πr3, प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, πr13 तक। सब में पाई कॉमन है, पाई बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, आर वन
प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस सोन आर थर्टीन पाई। अब आर वन प्लस आर टू आर थ्री सोन आर थर्टीन तक है, ठीक है। इसमें क्या क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, तो इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे। आर वन कितना है 0.5 प्लस वन प्लस 1.5 प्लस सोन, ठीक है। अब पाई ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा, इसमें लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन अपॉन टू, एन कितना 13, तो 13 अपॉन टू, टू ए कितना है 0.5, 0.5 निकाला था हमने, तो 2 इंटू 0.5 प्लस एन माइनस वन, 13 माइनस वन कितना होगा 12 इंटू डी, डी कितना होगा 1 निकाला है 0.5, ये हो जाएगा पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर, 2 को 5 से करेंगे, 5 टू 10 होता है तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 15, 12 एंड 5 सा 60 होगा, पॉइंट है तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट 13/2, 6+1 हो जाएगा 7। अब ये कट सकता है, मल्टीप्लाई में है 2 से कट जाएगा 1 1, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 11 आएगा, कितना आएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है।